पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भस् उदीर्ण वातोर्मिरवैः करालैः एकोर्विन्दात्पतितस्ततार तस्माद् भयाद्दिन्न सनोऽस्तु पारः। पुरा स्वयंभूरपि अनादिकाल में किभी स्वयंभू भी संयमाम्भसि अपने संयम रूपी प्रलय रूपी जल में, प्रलय जल में गिर पड़ा था। स्वयंभु परमात्मा ब्रह्मा जी जब सबसे नाभिकाओं से प्रकट हो गए, चारों तरफ देखा कुछ भी नहीं समझ में आई, कूद पड़े समुद्र में, जो जल था उसे कूद पड़े, देखा कि भाई कुछ ही नहीं आर पार पता चल रहा था। उदीर्ण वातोर मिरवई करा ले, उदीर्ण उद्गत वाते ही, उद्गत वात के द्वारा जो उर्मिया हुई है उस समुद्र में, उत्ताल तरंग से उत्पन्न रवई शब्दों के द्वारा जो करालता आ गई थी भयंकरता के कारण से, उन्हें सोचा यहां बैठना ठीक नहीं, अकेला मैं कहां बैठा, फंस गया भाई, हो सकता अंदर कुछ हो, अंदर कूद गए। अब अंदर कुछ तो और मुसीबत खड़ा हो गया, कौन बचा है? तो बेचारे करे गया अरविंदात नाभि कमलात पतित प्राय एको असहाय एव, बस नाभि कमल से जब गिर पड़े वो अकेले थे, असहाय थे। तस्मात भयात, उस भय से तो उसने क्या किया, आंख बंद करके घबराया, घबरा कर आंख बंद देखा तो भीतर में भगवान दिखाई दिए, उन्हीं के शरण में चला रहे, आप जो भी दिख रहे हैं अब इसे हमारी रक्षा कर दो। और वही भगवान विष्णु की कृपा से वापस वो नाभि कमल पर बैठ गए। फिर तप तप सुना तो तपस्या करने लगे, बाद में सृष्टियों का निर्माण किया। ऐसे कथा पहले आपने तीसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं, प्रथम स्कंद में भी संक्षेप में आया हुआ था। उसे कहते हैं कि ऐसा परमात्मा एको अरविंदात पतितस्तार, एक अकेला ही होकर के वो अरविंद से गिर पड़ा था, उसको भी पतित को भी ततार आपने तार दिया था। तस्माद इसी कारण से हमारी भी ये प्रार्थना है, भयाद एन सुनोस्तु पार, भय से उनको जिस प्रकार से तार दिया था उसी प्रकार से आज जो हमें भी तारने वाले बन जावे आप, भय से हमारे भी हमें भी तार दो। तार को अस्तित्व करते नहीं, पहले हो गया हृदय में, हो गया हृदय में हुआ तभी फिर उनको वापस प्रार्थना की तो वापस वहां बिठाया, उसके बाद जाकर के जो है वो तप तप आवास पर ध्यान दिया, उससे उनके ध्यान में भी तपस्या करनी चाहिए। तो उसके बाद चश्रो की भागवत का ज्ञान फिर दोबारा हृदय से जब प्राप्त होती है तब सृष्टि का निर्माण करता। एक ईशो निज माया न ससर्ज ये नानुसृजाम विश्वम वयम न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम लिंगम मृदगीशमानिनः किंच वयम भगवतैव सृष्टा पालिताश्च। और दूसरी बात है भाई, आप भगवान की ही नहीं, हम सब की सृष्टि की है, हम सब की सृष्टि आप भगवान ने ही किया है, और आप ही के द्वारा हम लोग पालित भी सदा होते आए हुए हैं। अत इस समय हम संकट में पड़ा है तो इस समय भी पालन करना आपका कर्तव्य बन जाता है। इसलिए कहते हैं बहुशो अदा तमेव शरणम व्रजाम, इसलिए आपके शरण हम आ रहे हैं। यह एक ईशो निज माया न, जो एक में अद्वितीय परमात्मा अपनी माया से न ससर्ज हम सब की सृष्टि किया है, और ये न अनुसृजाम विश्वम जिनकी ही कृपा से जिनकी चेतनता से प्राप्त हुआ चेतन्य को लेकर के ही सृजाम विश्वम सृष्टि का हम लोगों ने सृजन किया है। वयम न यस्यापि पुरः समीहितः, और कहते हैं जिनसे ये मन ये अनुग्रहित संतो, ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा विश्वम सृजामा, जिनके द्वारा अनुग्रहित होकर के हम लोगों ने भी आगे उत्तरोत्तर सृष्टि को बढ़ाया है। युयमेव सृष्टार, वाक्य में आप ही सृष्टा हैं, हाँ हमारे पर यदि आप अनुग्रह न करते सामर्थ्य नहीं देते तो कहां से हम आगे सृष्टि करते। आज भी इसलिए क्या होता है, आदमी प्रयास करता है संतान नहीं हुआ तो भगवान की शरण में जाते, भगवान कृपा करो एक लड़का हो जाए, नहीं पूजा पाठ अनुष्ठान प्रतिष्ठान दुनिया भर करने लगते, क्यों करते, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना आप सृष्टि को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, उसी के अनुग्रह से हो रहा है, अतः वही कर रहा है आपके माध्यम से कर रहा है, बस इतना ही।
निमित्त मात्र भवसाचि। इसलिए हम लोग तो निमित्त मात्र रहे हैं, आप ही वाक्य में सारे सृष्टियों का निर्माता हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वयम न यस्यापि पुरः समीहतः, और अस्मात्तः पुरः पूर्वमेव अंतर्यामिता, क्योंकि हम लोगों से पहले से, हम लोगों की जीव भाव आने से पहले क्या है, समष्टि भाव है ना, हम लोगों की जो व्यष्टि भाव है, इस व्यष्टि देव भाव से पहले आप अंतर्यामी भाव से प्रकट हो चुके थे, अतएव आप हमसे पूर्वज, हमसे पहले से ही हैं, तो हम कैसे सृष्टि के निर्माता हो जाएंगे, जो हमसे पहले होगा वही ना सृष्टि के निर्माता होगा, हमारे भी निर्माता हो जाएगा। अतएव कहते हैं यस्यापि पुरः समीतो, वयम न यस्य पुरः समीतः, कि हम लोग जो है ना आपके पूर्व काल के नहीं है, बल्कि आप हमारे से पूर्व काल में अंतर्यामी रूपेण समीयमानस्यापि यस्य लिंगम रूपम न पश्यामः, यदि सर्वत्र आप अंतर्यामी रूपेण विद्यमान है, फिर भी लिंगम पृथक ईशमानिनः, ईशमानिनः पृथक लिंगम न पश्यामः, ऐसा विवाह कर देना, यस्य लिंगम न पश्यामः, यद्यपि अपी को अलग कर दो, यद्यपि आप पुरः समीहतः, आप पहले से ही विद्यमान है, फिर भी वयम पृथक लिंगम न पश्यामः, आपका कोई पृथक लिंग हम अनुभव में नहीं कर पा रहे हैं, सगुण साकार लिंग को भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ईशमान संतो वयम, ईशमान संतो वयम बस जोड़ देना, ईश को हम आपको मान रहे हैं, आप सृष्टि के सृष्टा भी हैं, पालयिता भी हैं, संहर्ता भी, मान तो रहा हूं लेकिन फिर भी आपका दर्शन कभी हुआ नहीं, ये सब का हाल है, सब मान रहे भगवान हैं और सब पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन किसने भगवान को देखा, किसने नहीं देखा आज तक, देवताओं को नहीं होता है, अरे वो कहां से, उनको भी इतना आसान थोड़ी दर्शन होगा, उनको भी आसानी से दर्शन नहीं हो सकता है, उनके पार्षद का भी दर्शन हो जाना दुर्लभ है, उनका ही दर्शन हो तो दूर की बात, विष्णु लोक में जाते हैं ये ऐसे आता है, अरे जब जाते तब न होएगा, अब कब जा रहे हैं मुसीबत में, नहीं तो काय को जाएंगे, जब आप प्रधानमंत्री भवन में जाओगे तो प्रधानमंत्री का दर्शन होएगा, क्यों नहीं होएगा, जाना पड़ेगा ना, और जाओगे कब, जब मुसीबत गले फंसे, जरूरत पड़े तब न जाओगे, तो रोज रोज थोड़ी जाने को माइके लगी हुई है वैकुंठ लोकन का, ये रोज जाए फिरेंगे, अपने अपने लोक में रह रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, मुझे बताता है तो सब वैकुंठ लोग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भैया आप जो कृपा करो, अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब जाने के रास्ता नहीं है इनके पास, वो घेर रखा है वो, और वृत्रासुर, इसलिए जहां है वहीं खड़े होकर प्रार्थना लगता है, अब भागने की अवसर नहीं मिली इनको, भागे कहां से, पकड़ी खा जा गए, इसलिए उसे रुके हुए वही प्रार्थना कर रहे हैं, अब वो भी देख रहे हैं वृत्रासुर एक महान है इस विषय में, युद्ध का सारा नियम जानता, कभी भी वो देख लिया शस्त्र फेंक नहीं रहे, वो भी चुपचाप खड़ा होकर देख रहे, चलो भाई इनको जो करना करने दो, पूजा पाठ बाद में देखेंगे, जब ये अस्त्र शस्त्र तो उठावे तब एक थप्पड़ देंगे तो सही हो जाएंगे सब, वेट कर रहा है, देख रहा है इनको, करने दो इनको जो करना है, जैसे आप लोगों के अंदर भी क्या है तमोगुण, क्या है चुपचाप बैठे रहता है, इस समय आपको तमोगुण सता रहा है नहीं, आपका सात्विक गुण में रह रहे इस समय, अपना स्वाध्याय चला रहे, ठीक है, अब यहां से निकलते बारह रजोगुण आरंभ हो जाता है और फिर तमोगुण घुस जाता है, फिर काम वासनाएं जग जाएंगे, हैं? फिर अपने आप जो है ना कि क्या होता है, तमोगुण घुस जाता है कि नहीं घुस जाता है, जब तक पूजा पाठ कर रहे हैं वो तमोगुण चुप रहता है, पता ही नहीं चलता है कि तमोगुण है भी, कई बार बीच में वहां भी घुस जाता है, हाँ थोड़ा पूजा पाठ की सामग्री इधर उधर, हे क्या तुमने व्यवस्था किया था, कहाँ गए आरती फारती, तो है नहीं, वहीं भिड़ कर जाए, वहीं क्रोध आ जाता है, आता ही नहीं आता है तो, लेकिन क्या करें, कभी कभी तमोगुण वहां भी छोड़ता नहीं है, लेकिन ये तमोगुण अवतार जो है वृत्रासुर बड़ा संयमी आदमी है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, ये लोग अपना पूजा पाठ कर लगे हुए स्तुति कर रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अब कृपा करो, ये करो वो करो, आगे भी आएगा, इंद्र के हाथ से एक बार ऐसे हुआ अस्त्र निकल गया,
वृतास चाहे तो इंद्र को खत्म ही कर सकता था। लेकिन कहते नहीं, तुम अस्त्रहीन हो, ये लो अस्त्र, देता है, पकड़ो, लो मारो मेरे को, आओ। युद्ध का नियम है, अस्त्रहीन व्यक्ति को मार नहीं सकते, और वो अस्त्रहीन व्यक्ति को मारा नहीं वृतास्त्र। अभी भी देख लो ये सब पपरा चुप हो गए, अस्त्र शस्त्र पहले खूब फेंका, उसे वो खा गया, अब तो वे देख ले घबरा गए, और घबरा तो डर भी है, भागे तो कहीं पकड़ ना जाए, ये अस्त्र शस्त्र को खा सकते, हमको तो आराम से खा लेगा, है ना, गर्म गर्म पकौड़ी ताजा, खून है गर्म, मांस है गर्म, है ना, गर्म पकौड़ी जैसे लगेगा उसको तो। जब जो है जड़ भूत अस्त्र शस्त्र को पकौड़ी जैसे खा गया, हम तो जिंदे देवता लोग हैं, हमको तो खा जाएगा, आराम से खा जाएगा, इधर डर के हमारे लोग वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वैकुंठ लोग नहीं भागे, पहले आया था, जहां है वहीं खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, पहले आया। यो न सपत्नी विषमर्ध्यमानान देवर्षि तिर्यं दृशु नित्य एव कृतावतारस्तनु स्वमायया युगे युगे चरतनी। प्रत्येक समय समय आने पर आपने हमारी रक्षा करने के लिए ही अनेक अवतारों को धारण किया है। कहते हैं यो न सपत्नी भृषम अर्ध्यमानान, न अर्ध्यमानान भृषम, बारंबार पीड़ित किए जाने पर, किनके द्वारा, सपत्नी शत्रुओं के द्वारा बारंबार पीड़ित किए जाने पर हम लोगों की रक्षा करने के लिए आपने क्या किया, युगे युगे देवर्षि त्रियंग नृषु, कभी देव रूप धारण कर लिया, कभी ऋषि रूप धारण कर दिया, कभी त्रियक मत्स्यादि अवतार ले लिया, कहीं मनुष्य राम परशुराम कृष्ण आदि अवतार लिया है, नित्य एव सदा ही आप ऐसे करते आए हैं। कृता अवतार स्व माया तुनु भी आत्मसात कृत्वा पाती युगे युगे, इस प्रकार से आपने अवतारों को लेकर के अपनी माया से विभिन्न शरीरों के द्वारा हम लोगों को आत्मसात कर लिया और हम लोगों की रक्षा किया है अपने समय समय पर। अतएव इस समय भी हम लोग शत्रुओं के द्वारा जबरदस्त पीड़ित हैं, अतएव इस समय भी आप कोई न कोई रूप धारण कर लो, अवतार धारण करो, कुछ करो, यदि उचित समझते हैं तो करके जो हम लोगों की रक्षा करें। तमेव देवं वयमात्म दैवतम परम प्रदानम पुरुषम विश्वमन्यम व्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम स्वानाम सनोधास्यति शम महात्मा। तमेव देवं वयमात्म दैवतम, तमेव आत्म दैवतम देवम, वही देव जिसको निरंतर हम लोग अपने अंतकरण में पूछते रहते हैं, उसी देव के हम सब शरण में जाते हैं। कैसा है वो देव, परम प्रधानम, जो प्रधान से भी परे है, पुरुष तत्व है, विश्वमन्यम, इस जगत से जो परिदृश्यमान जगत से भिन्न है, जड़ से भिन्न चेतन रूपा है, ऐसे उस परमात्मा का वयम सर्वे, वयम है ना वहां पर, वयम सर्वे शरणम व्रजाम, हम सब जो है आपके शरण में आते हैं। क्यों मेरे शरण में आते हो, क्योंकि आप ही एकमात्र शरण्य है, शरण्यम शरणम व्रजाम, आप शरण्य का हम शरण आते हैं, क्योंकि स्वानाम नो स शम महात्मा धास्यति, स महात्मा शम धास्यति, क्योंकि हम आपके लोग हैं और आप सदा ही महात्मा जैसे संत के स्वभाव वाले होकर के हमारे को सदा शांति प्रदान किए, भय को दूर करके शांति शमन को प्राप्त कराए हैं। इस प्रकार से उन्हें प्रार्थना करते हुए भगवान के शरण में जब गए तब क्या हुआ, तो सुखदेव महाराज कहते हैं श्री शुकोवाच इति तेषां महाभाराज स्वराणाम उपतिष्ठताम प्रतीच्याम दिशि अभूत आवि शंख चक्र गदाधर। हे महाराज आर्य परीक्षित, तेषां देवानाम स्वराणाम उपतिष्ठताम, वो देवता लोग इस प्रकार जब भगवान की शरण को प्राप्त किए, प्रार्थना पूर्वक उपस्थान किए हैं, तब प्रतीच्याम दिशि प्रतीची दिशि पश्चिम दिशा में आविर्भूत शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदादि को धारण किया हुआ चतुर परमात्मा भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आत तुल्य षोडश भीर विना श्रीवत्स कोष्ठ इत्यादि आएगा,
यहां पर देखिए एक बात बार बार विचार आता है कि शंख चक्र धातु परमात्मा है, चतुर्भुज कहीं अष्टभुज है ना, पर अष्टभुज का विचार आया, चरमसी इत्यादि अन्य अन्य अस्त्रों का भी आपने वहां पर प्रार्थना करी है, पूजा किया है, उपासना किया है, लेकिन अधिकतर चतुर्भुज ही आता है। चतुर्भुज क्यों माना गया? अनेकों देवताओं को चतुर्भुज मानते, लक्ष्मी चतुर्भुज, सरस्वती चतुर्भुज, सब चतुर्भुज, चतुर्भुज क्यों? दो भुजा कभी तो मान लो उसको, और हम सब द्विभुज है, चतुर्भुज नहीं हो पा रहे कोई, क्या कारण है ना? हम सब क्या द्विभुज ही है कि चतुर्भुज है? द्विभुज है क्यों? अब समझना है इस चीज को, क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य दो ही में है, चार में नहीं। चतुर्भुज का मतलब चतुर्विद पुरुषार्थ सिद्ध है जिसको, वो चतुर्भुजी है, और हम लोगों के पास दो ही भुजा है, इसलिए क्योंकि हम लोग दो ही पुरुषार्थ सिद्ध होता है, अर्थ और काम, न धर्म है न मोक्ष है, अतएव हम सब द्विभुजी। धर्म हो जाए तो त्रिभुज हो जाओगे, और मोक्ष के लिए प्रयत्न करते तो चतुर्भुज हो जाओगे। ये चतुर्विद पुरुषार्थ हीनता को दिखा रहा है, हे मनुष्य तुमको मैंने इसलिए द्विभुज बनाया हूं, तेरी अकल हमेशा दो पुरुषार्थ में रहता है, अर्थ और काम में ही टिका रहता है। और धर्म को इस्तेमाल करोगे किस लिए? धर्म भी स्वार्थ के लिए, इसे वोट चाहिए तो राम का नाम ले लेते हैं, नहीं तो क्या को राम का नाम, राम राम जाए, राम भी जाए भाड़ में, नहीं राम क्यों लिया गया नाम? वोट के लिए। नहीं धर्म भी अपनी कामना के लिए होती है, अर्थ प्राप्ति के लिए होती है, जैसे कहा था ना उसमें केशव गोविंद हरिहर जीवलर्स, याद है? एक सोनार का दुकान था, वो तीन दरवाजे, पहले में बैठा हुआ है भरत त्रिपुंडल, केशव 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 बोल रहा है, जाप रहा है, जब हरि का नाम ले रहा है, क्यों? केवल अर्थ के लिए ले रहे हैं। दूसरा वाला कहता है गोविंद 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 गोविंद, जाप रहा है वो भी, और तीसरा वाला हरि 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 हरि, अब अंदर में मालिक बैठा हरा 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 बोल रहा है, केशव गोविंद हरि हर जीवलर्स, ऐसे दुकान का नाम ही था, और ये तीन दरवाजे थे। अर्थ कोई समझ ही नहीं पावे, अर्थ ही समझना लो, अरे तो भगवान के भगत लोग हैं, निश्चित रूप से तो ठगेगा नहीं, एक नंबर के माल जरूर देगा और सही दाम पे देगा, कि ऐसे परम भक्त लोग ऐसे कैसे ठगेगा, लोग सब वही जावे दुनिया भर के। अगर आस पड़ोस के सेठों ने पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ ऐसे होते क्या बात है, अरे कहते मूर्ख दुनिया ही है सब, इसलिए अर्थ तो समझते ही नहीं है, बोलते हमें भी नहीं समझ में आया आज तक, क्या अर्थ है इसका? अरे भाई तुम समझो के शव, पहले वाला जो बोल रहा है कौन सा मुर्दा आया है अभी लूटने के लिए, दूसरे ने कहा गो विंदा सा ग्वाल बाल है, गाय को पालने वाले, गाय प्राप्ति जिसको है, गावा विंदती मैंने प्राप्त हो ये शाम ते गोविंदा ने ग्वाल बाल है, सब मूर्ख है, इनको लूटना बड़ा आसान है, अकल है नहीं इन लोगों में। और तीसरा कहते जल्दी करो, फिर क्या देख रहा है, हरी अंग्रेजी शब्द है वहां पर जल्दी करो जल्दी। अब अगला एकदम मालिक हो गया काम पूरा, हरण कर दिया, मैंने हरण कर दिया, हर हर। तो भगवान का नाम अर्थ प्राप्ति के लिए, और कहीं भगवान काम कामना की पूर्ति के लिए। इसे धर्म भी हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं जीवन में, वो केवल अर्थ और कामना के लिए कर रहे हैं, वास्तव में धर्म अंतकरण शुद्धि पूर्व मुख्य मोक्ष के लिए कोई नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य का जान बुझकर भगवान ने द्विभुज बनाकर दिखाया, और स्वयं जब आते हैं चतुर्भुज दिखाते हैं, हम चतुर्थ पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। यह शंख चक्र गदाधरा, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए रहते हैं, एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में जो है गदा है, तीसरे में चक्र है, चौथे में पद्म, चार हाथों में चार अस्त्र भी इसलिए दिखा रहे हैं। अच्छा, शंख चक्र गदाधर आततुल्य षोडशभिर् विनाश्री वत्स कौस्तुभ
पर्युपासित मुनिद्रा शरदंबुरु हे क्षणम। कैसे भगवान प्रकट हुए, अकेले नहीं आए। देखो 16 चेड़ा कोला है, षोडश काल पुरुष है ना, ये दिखाने के लिए पूर्ण पुरुष परमात्मा आए हुए हैं, अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ आ रहे हैं। इसे षोडश अपने अनुचर पार्षदों के साथ है, लेकिन अंतर है, कलाएं अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कलाओं वाला जो पुरुष वो परिपूर्ण है। उनमें क्या न्यूनता है तो कहते उन सभी के श्रीवत्स और कौस्तुभ नहीं है, दो चीज नहीं, श्रीवत्स भी नहीं कौस्तुभ भी नहीं। इसे कहते आत्तुल्य षोडशवी, देखने में तो सब चतुर्भुजी है, आत्तुल्य है माने क्या, सब चतुर्भुजी है, किंतु बिना दो चीजें नहीं, श्रीवत्स कौस्तुभ ही, श्रीवत्स भी नहीं है कौस्तुभ भी नहीं है। इनसे परुपासितम, परुपासित होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्निद्र शरदंबुरुहे क्षणम, उन्निद्र माने खिला हुआ, शरद कालीन कमल के सदृश आंके हैं जिसका, ऐसे परमात्मा प्रकट हुए। ऐसा द्वितीयांत आगे जुड़ेगा, दृष्ट्वा तम, अन्यों के साथ प्रकट हुए एतादृश भगवान को देख करके वो सबने सबने सभी देवताओं ने साष्टांग प्रणाम कर दिया। उसके अगला श्लोक के साथ अन्वय कैसे द्वितीयांत कर दिया, पहले प्रथमान था आविर अभूत हो गया, भगवान आविर्भूत हो गए। कैसे भगवान आविर्भूत हो गए, अकेले आए और भी थे, क्या था क्या नहीं था, उसका वर्णन द्वितीयांतों में से जोड़ा ताकि अगले के साथ संबंध कर दिया। आतुतुल्य षोडश वीर विना श्रीवत्स कौस्तुभ पर्युपासित मुनिद्र शरदंबुरु हे क्षणम दृष्टातम अवनौ सर्व इच्छनाल्लाद विक्लवाः दंडवत् पतिता राजन् शनिरुत्थाय तुष्टुः। तम दृष्ट्वा एतादृश उन्निद्र शरदंबुरु हे क्षण वाला परमात्मा को देख करके, पूर्ण पुरुष परमात्मा को देख करके परमानंद प्राप्त कर गए, और तुरंत अवनौ सर्वे उन्हें देखते तम दृष्टवा पृथ्वी पर सभी के सभी इक्षण आह्लाद विक्लवा दर्शन मात्र से आनंद से परिपूर्ण होकर के दंडवत पतिता राजन हे राजन सब के सब पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करने लगे। शनिरुत्थाय धीरे धीरे उठ के खड़े हो गए और इन आगे कहे जा रहे श्लोकों का द्वारा स्तुति करने लगे तुष्ट बहु। यहां पर भी देखिए वो षोडश कलाओं में दो चीज की कमी बताई गई है ना, कौन दो चीज है वो, श्रीवत्स और कौस्तुभ। उसका तात्पर्य क्या है अध्यात्म में, श्रीवत्स क्या होता है और कौस्तुभ क्या है, वो जो कथा है माला और माला हो गया कौस्तुभ मणि होती है, और श्रीवत्स हो गया लक्ष्मी का स्थान हो गया अर्थ हो जाता है, वो तो बाह्य दृष्टि है सगुण दृष्टि हो गया। अध्यात्म दृष्टि से क्या होगा, दो चीज है विवेक और वैराग्य रहित, भक्ति है लेकिन विवेक और वैराग्य सम्यक नहीं है। विवेक का प्रतीक कौन सा है, अब आएगा देखो। श्रीवत्स का अर्थ क्या होता है, श्री ही है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से क्या लेना ज्ञान, ज्ञान रूपी ऐश्वर्य, वह अभी वत्स का रूप में है माने बछड़े के रूप में, बच्चा के रूप में है, माने ज्ञान अपरिपक्व है, माने अपरिपक्व ज्ञान को श्रीवत्स शब्द, और अपरिपक्व ज्ञान कब होता है, जब विवेक परिपूर्ण नहीं होता है। और कौ स्तुभ, कौ माने पृथ्वी, कुहु पृथ्वी, तमेव स्तोभति इति कुस्तुभ बनेगा इति कौस्तुभ, माने पृथ्वी लोक को ही श्रेष्ठ तम मान के चलने वाला है, अर्थात इस लोक के विषय में ही उसको वैराग्य है, समझ गया ये लोक में क्या है क्या नहीं है, लेकिन परलोक से वैराग्य भी नहीं है, अभी उस वैकुंठ लोक का अभिमान बना हुआ है। जो कोई भी साधक अपरिपक्व ज्ञान के कारण से पूर्ण विवेकहीन रहता है, वह व्यक्ति सांसारिक इस लोक के पृथ्वी में विद्यमान वस्तुओं के प्रति वैराग्य बले रह जाएगा, लेकिन परलोक से उसका वैराग्य कभी नहीं हो सकता। इसे वैराग्य में भी न्यूनता है,
विवेक में भी न्यूनता है, इन दो का ही इसलिए अभाव, विवेक और वैराग्य की न्यूनता का वाचक है ये सब। और वही पूर्ण हो जाता है, विना शब्द हटा दीजिए, श्रीवत्स हो गया पूर्ण ज्ञान, और कौस्तुभ हो गया पूर्ण वैराग्य, पूर्ण विवेक और पूर्ण वैराग्य से संपन्न व्यक्ति है। और उसके बिना जब कह दिया मैं, उसमें न्यूनता तरफ ले जाना है, समास करने में अंतर करना पड़ेगा, वत्स इव कर दो, शरीर भी वत्स यस्य कर दो, अलग अलग, श्री माने ज्ञान रूप ऐश्वर्य वत्स के समान है जिसका, हो गया ज्ञानी में। और शरीर भी वत्सो यस्य, ज्ञान भी बछड़े के समान क्षुद्र हो गया जिसके प्रति, वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। थोड़ा समास में अंतर कर देंगे तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए श्रीवत्स कौस्तु भाव ये दो के बिना है सभी के सभी लोग, अतिवे देवता लोग क्या मान रहे, स्व से भिन्न सगुण ईश्वर के पद कल्प मान लिया। और उस स्व से भिन्न जब सगुण ईश्वर मान लिया हो, उसको प्रणाम आदि करना ही है, उसकी उपासना करनी पड़ेगी। अतएव भय भी है, नहीं तो भय कहां से होता, पूर्ण विवेक वैराग्यवान पुरुष को किससे भय नहीं होनी चाहिए, भय भी है ना यहाँ पर, द्वितीया भय भयम भवती, द्वितीय से तो भय होता है, और स्व से द्वितीय मान रहे वृत्रासुर को, और से भयभीत हो रखे हैं। अतएव कहा इन दो तत्व के बिना बाकी सब मामले में आत्मतुल्य, बाकी सब मामलों में आत्मतुल्य है, इन दो मामले में गड़बड़ है। देवा उच्च हो नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसि उतते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय नमः सुपुरुहूतये, नमस्ते यज्ञवीर्याय, यज्ञों वीर्यम माने स्वर्गादि फल जननाय सामर्थ्यम यस्य, यज्ञ ही स्वर्गादि फल को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है जिनका, ऐसे जो परमात्मा जो यज्ञादियों के माध्यम से साधकों को यजमानों को स्वर्गादि फल देने की सामर्थ्य है, किनके पास है वो सामर्थ्य, परमात्मा के पास ही, इसे तो ईश्वर को मानना ही है, नहीं तो ईश्वर को मानने की जरूरत ही क्या, यदि कर्मादि ही व्यवस्था देने लग जाए फिर तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं, ये तो मीमांसा कहता है कर्म ही फल देता है, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, इस मीमांसा दर्शन में ईश्वर को माना नहीं गया है। सांख्य भी यही कहता है, वो भी ईश्वर की जरूरत नहीं मानता है, इसी कारण से कहते हमारी प्रकृति में ही सामर्थ्य, और प्रकृति का ही कार्यभूत बुद्धि तत्व है, वो बुद्धि तत्व जो महातत्व है वो व्यापक व्यष्टि दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था देती रहेगी, कोई जरूरत नहीं है ईश्वर का। तब जवाब दिया कि नहीं नहीं, कर्म तो जड़ है, वो जड़ भूता कर्म कैसे व्यवस्था कर सकता है, चाहे मूल प्रकृति प्रधान है सांख्य में, वो भी जड़ है, मीमांसकों का कर्म भी जड़ है, अतः वो तो व्यवस्था दे नहीं सकता। इसलिए योग में जो सांख्य का विपरीत में कुछ तत्वों को ले समानता चलने वाले उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया, और पूर्व मीमांसक विरुद्ध में उत्तर मीमांसा वाले भी हाँ दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद दोनों ही वाद के पक्षों में ईश्वर को स्वीकार किया है, उसके अंदर व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए कह दिया यज्ञ वीर्याय वयसि उतते नमः, वयसे होता मैंने तत्फल परिच्छेद का कालात्मने, या वयस तात्पर्य काल रूप परमात्मा जो है तत्फल का भी परिच्छेदन करने का शक्ति सामर्थ्य वाला काल रूपी परमात्मा है। आपने पुण्य किया, कितने काल पर्यंत उस पुण्य का फल भोग आपको मिलेगा यह तय करने वाला काल रूप परमात्मा से ही हो सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसे काल रूपी परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। और कहते हैं नमस्ते हस्त चक्राय, नमस्ते ही अस्त चक्राय, असुक्षेपणे लेना, अस्त में जो है डूबा हुआ, अस्ताचल को प्राप्त हुआ या नाश हुआ ऐसा अर्थ नहीं ना, अस्त चक्राय न्यस्त चक्राय, जिसने हमेशा अपने चक्र को शत्रुओं का विघात करने के लिए प्रक्षेपण किया हुआ है, प्रक्षिप्त है अस्त्र माने चक्र रूपास्त्र जिसका, उसको कहते हैं अस्त चक्र परमात्मा। तद विघात के दैत्येषु अस्तमेव प्रक्षिप्तम, अस्तम ने प्रक्षिप्तम चक्रम एन परमात्मना, तारस परमात्मा के लिए एवं भूते प्रभाव ही सुपुरुहूतये शोभन बहुनामने, पुरुहूते माने पुरु माने बहुत सुंदर नाम वाले आप परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। कई लोग पूरा सहस्रनाम रट लेते हैं,
नहीं, बुरी सहस्राम रठा हुआ रहता है, वो भी चतुर्थ्यंत रठा हुआ रहता है। चतुर्थ्यंत सहित रट लेना साधारण बात नहीं क्या सहस्रनाम? और हमने ऐसे ऐसे देखा तीनों सहस्रनाम रटा है चतुर्थ्यंत, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, तीनों सहस्रनाम और प्रतिदिन रचना करते हैं। क्योंकि कहा है कि विष्णु सहस्रनाम की अपेक्षा से सौ गुणा श्रेष्ठ शिव सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम की अपेक्षा से भी हजार गुणा श्रेष्ठ ललिता सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम है, ललिता एक देवी है, दुर्गा देवी, हाँ ललिता देवी की सहस्रनाम है, देवी का स्वरूप है। उसमें लिखा है अंत में शिव शक्त्यैक्य रूपिणी, शिव और शक्त भिन्न नहीं है वस्तु, एक रूप है। इनकी चतुर्थ्यंतों की पूजा कर दे, उसे तरह अर्चना कर देते और दिव्य शक्ति सामर्थ्य उपासना का बल पर उन लोगों को प्राप्त है, ऐसे लोगों को देखा गया। और कई लोग तो ललिता सहस्रनाम रटे हुए हैं और पाठ इसलिए कर देंगे ठन ठन गोपाल मिल जाए, केवल माल के लिए करते, कईयों को देखा। अच्छे अच्छे लोग अपने आप परम विरक्त मानते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ललिता कर, क्या करता है ललिता सहस्रनाम पाठ क्यों कर रहा है? माल पानी बिना मेहनत किया आना चाहिए, घर बैठे बैठे हम परम विरक्त बैठे हैं और हमारे से माल पानी आते रहने चाहिए, उसके लिए करते आता भी है, क्यों नहीं आएगा, खूब आएगा। और हम तो कहते उसके बिना भी आता है, हमारे पास तो बिना भी आ रहा है, ये प्रारब्ध में है तो आएगा, जब भी किया होगा यहाँ लिखा आ रहा है, काय को उसमें पीछे पड़ेंगे, है ना। तो हम तो ये सब करते ही नहीं, अपना कुछ नहीं करते, जन्म जन्मांतर किया होगा, इसी जन्म में पहले किया होगा, किया है वो बात अलग चीज है। अभी क्यों किया तो इस जन्म में तो किया, कोई चीज तो उसके लिए नहीं किया, इतना पक्का है इस जन्म में जितना भी पूजा पाठ किया है वो इन चीजों के लिए नहीं किया, एक ही लक्ष्य रहता था विद्या के लिए, हमेशा ही यही रहा बचपन से ही, विद्या प्राप्ति हो। कौन सी विद्या से मतलब नहीं, स्कूल पढ़ रहे तो स्कूली विद्या से ही, अभी पढ़ रहे तो यही विद्या से ही, मैंने विद्या नाम से बोला जाता था, विद्या प्राप्त है बस, एक ही चीज संकल्प है हमेशा। ईश्वर प्रत्यर्थ में रखा है, ईश्वर प्रत्यय करने जाए हम, हम क्यों ईश्वर को प्रसन्न करें? अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे तनखा देना उसका काम है, उसको प्रसन्न करेंगे तो तब तनखा देगा वो, वे हम कर्म करेंगे उसकी तनखा वो देगा, इसलिए ईश्वर प्रत्यर्थ वगैरह हम नहीं बोलते कभी। विद्या प्राप्त है, हमारा सकल कर्म अर्पित है, अब तुम्हारा काम है विद्या प्राप्त कराओ, हम कर्म कर रहे हैं उस चीज के लिए, जिसके लिए किया वही तो देगा ना वो, नियम तो यही है संकल्प का, जिसके लिए आप कर रहे हो वही फल हो देगा, देर सवेर जब दे उसकी मर्जी उतनी होती है ना उसकी, उसकी तो इतनी मर्जी है, उचित समय समझ करके वो देता है, हम आज चाह रहे नहीं देगा बाद में देगा, वो जानता है कब देना है कब नहीं देना है, बस उतने उसकी मर्जी पे चला, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब किए, ये सब लफड़े में पड़े बिना भी साधु को सब कुछ मिल सकता है, साधु का लक्ष्य क्यों होना चाहिए? विद्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए सारा प्रयास होनी चाहिए, बाकी ये सब संसार है, माया है, वो आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। कबीरा नहीं कहा मेरे पीछे हरी हरी भी दौड़ पड़े, नहीं चौपाए उसने बोल रखा है ना, पहले जो है हम हरी को भज रहे थे कबीरा कहता है, और अब हरी मेरा भजन करते हैं मेरे पीछे पीछे, तो वो सामर्थ्य अपने आप संत में आ जाएगा, अभ्यास की बात करते करते हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि सुपुर सुपुरु हूतये यत्ते गतिनां तिसृणां ईशितुः परमं बदं नारवाचीनो विसर्गस्य धातर वेदितुमर्हति। अरे भाई मैं तो गुणातीत हूं, कहां तुम लोगों ने मेरे को सगुण बना बना डाले, यज्ञ वीर इत्यादि इत्यादि आपने बोल दिया, सब सगुण की आप उपास कर रहे हो। भगवान कह सकता है मैं तो निर्गुण, मेरे को तुम्हारे ये सब सगुण से कोई लेन देन नहीं, ये सब तुम लोग मेरे से पूजा मेरे पूजा ही नहीं किया, जिस सगुण की पूजा की वो तुम्हें फल देगा। तब सतर्क हो गए लो, नहीं आप निर्गुण है, लेकिन हम लोगों को सगुण ही ग्रहण होता है, निर्गुण तो ग्रहण में होता ही नहीं, पकड़ में नहीं आता। यत्ते गति नाम तिसृणाम,
यत्र गुणत्रय से ईशितुर नियंतु गुणत्रय का जो ईशन करना नियंत्रण करने वाला गुणात्मिक तिसृणाम गति नाम गुणात्मिक जो तीन गतियां हैं उन तीनों गतियों के भी अपेक्षा से परमम पदम परम पद को प्राप्त है। परम पद गुण है इन तीनों गुणों की अपेक्षा से परम पद इन गुणों से जो परे गुणातीत है वो निर्गुण स्वरूप है उसको तद विसर्गस्य अर्वाचीन इदानीं तनो हे दात संबंध हे परमात्मा विसर्गस्य अर्वाचीनो वे तुम न रती उस परम पद जो निर्गुण पद है उसको हम लोग जो है ना विसर्ग से पहले हम उसे कभी जान नहीं पाते। विसर्ग से का तात्पर्य क्या है? विगतो सर्ग है विसर्ग ऐसा कर दो। जब तक ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश पर की सृष्टि का नाश हम नहीं कर लेते मिथ्या तो नहीं सिद्ध कर लेते हैं उससे पहले आपका निर्गुण स्वरूप हमारे समझ में आने वाला नहीं। अतः केवलम तस्मै देनवा इसलिए मान के चल रहे हैं आप केवल निर्गुण परमात्मा रूप है उस परमात्मा स्वरूप का हमारा नमस्कार। श्लोकों में छंदोबद्ध गान करते हुए उनके मन में आया मिताक्षराणी पद्याणि नमियंद हरेर गुणाः मिताक्षर वाले पद्यों के द्वारा नियमित अक्षर मिताक्षर गिने हुए अक्षरों वाले होते पद्य छंदोबद्ध होते हैं और छंदों में अक्षर गिना हुआ है नापा हुआ है उसके द्वारा हरि के जो गुण का गान करने में देवता लोग अपने आप को असमर्थ समझे अतएव अब गद्यों के द्वारा वो पाठ कर ओम नमस्ते अस्तु भगवन नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परमंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमस परिवराज गई परमेण आत्मयोग समाधिना परिभावित परस्फुट पारम हंसी धर्मेण उद्घाट तव कपाट द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभव भवान। आप भगवान कैसे हैं? कहते हैं आपको नमस्कार है। हे भगवन आप तो साक्षात नारायण है। आप क्या हैं? साक्षात नारायण है। न कह नारायण का मतलब क्या? नरेव नारा तेषाम अयनम इति नारायण। ये समस्त जीवों का आधारभूत परमात्मा स्वरूप आप हैं। जितने भी जीवात्मक जगत इस जगत का आश्रय रूप अधिष्ठान होता आप परमात्मा हैं इसलिए आप नारायण है। नरेव नारह तेषाम अयनम इति नारायण वासुदेव है। आप ही क्या है? वासुदेव। वासुदेव के अगर जानते ही हैं आप ही व्यष्टि है समष्टि है निर्गुण भी है ना। वासनात् वासितस्य वासितम् भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेव यहाँ वस धातु का अर्थ क्या लेना है? वासनात् निवास प्रदान करने वाला होने से ईशावास्यम इदगम सर्वम उसको लिया। वासितम भुवन त्रयम वा वासितम आच्छायितम भुवन स्वचेतन के द्वारा स्वभाग के द्वारा स्वप्रकाश के द्वारा पूरे भुवन त्रय को जो है ना अपने अंदर कर परिकल्पित रूप को प्रकाशित कर देने वाले ही सर्वभूत निवासोसी वो समष्टि हो गया ये व्यष्टि हो गया। निर्गुण लिया निर्गुण क्या अधिष्ठान है निर्गुण स्थान लिया फिर त्रिगुणात्मक जगत को ले लिया उस जगत को प्रकाशन करने वाला अंतर्यामी परमात्मा समष्टि रूप हो गया फिर सर्वभूत निवास अस्मि सकल भूतों में निवास करने वाला वो व्यष्टि रूपा हो गया जीव। ऐसे जो वासुदेव है उसको मेरा नमस्कार। आदि पुरुष है अतएव आप आदि पुरुष है महापुरुष है महानुभाव इसलिए आप क्या है कदा आदि पुरुष है और महापुरुष भी है और अब महानुभाव भी परम मंगल रूप है परम कल्याण स्वरूप है परम कारुणिक भगवान है। आप केवल एक स्वरूप है जगत का आधार है लोकैक नाथ समस्त लोगों का एक में अद्वितीय नाथ है रक्षक भी आप ही हैं सर्वेश्वर परमात्मा आप हैं लक्ष्मी का नाथ आप हैं परमहंस परिवराजकों के द्वारा परम आत्मयोग रूपी समाधि से परमोत्कृष्ट साधन आत्मयोग है स्वस्वरूप पे जो ध्यान करना उसमें ही समाहित्व चित्त के द्वारा परिभावित में अनुभावित है।
परस्पुट पारमंश धर्मेण, जो कि पारमंश धर्म को परिपालन करने वालों के समक्ष ही अत्यंत सुस्पष्ट रूपी अनुभव का विषय होते हैं और उद्घाटित तमक कपाट द्वारे चित्ते अपावृत धर्म के द्वारा उद्घाटित है। क्या तमक कपाट द्वारे अंधकार रूपी जो आप इस संसार में है उसके कपाट के द्वार को उद्घाटन कर लिया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया? अत्यंत सुस्पष्ट पारमहंस धर्म का पालन करने के द्वारा। ऐसे है चित्त जिसका द्वारे चित्ते तार चित्त में अपावृत, उस चित्त में जो है ना अपावृत, अपावृत मैंने प्रकट अपावृत मैंने प्रकट आवृत नहीं रहा, अपावृत हो गए। अब तक आवृत थे तमारूपी अपने हृदय में गुफा के अंदर, अब वहां पर आप प्रकट हो गए हैं। आत्मलोक है, कैसे प्रकट हुए? आत्म एव लोक थी आत्मलोक, आत्मरूपी लोक बन करके आप प्रकाशित होते हैं। स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान, स्वयं ही उपलब्ध निज सुखानुभवो, स्वस्वरूप सुखानुभव वाला स्वग्रशभाषभ के माध्यम से स्वस्वरूप सुखानुभव स्वरूप परमात्मा आप ही हैं। और द्रोबोधिवत्तवायम विहार योगो यत अशरणो व शरीर इदम अनवेक्षितास्मत समवाय आत्मनिव विक्रमाणेन सगुणम अगुण सृजसि पासि हरसि। ध्रुवोदैवतवायम विहार योगो, लेकिन आपके सारा जो लीला हो रहा है यह लीला किसी को भी आसानी से समझ में आने वाला नहीं, केवल अनुभव रूप ही है आप, ऐसी बात नहीं। सृष्टि आदि कर्ता भी आप है, इन सृष्टि आदि जो कर्तृत्व आपके अंदर है ना, वह विहार जो योग है वह अत्यंत स्पष्ट नहीं हो सकता। द्रोबोध इव बोल रहे, यदि समाहित वाले हो जाए तो आसानी से तो अवबोध हो जाएगा, इसे द्रोबोध के समान है आपका यह विहार योग। यद्यस्माद अशरणो निराश है, जिसलिए क्यों विहार योग आपका अत्यंत द्रोबोध हो रहा है? क्योंकि आपके सारा विहार जो ना बिना आश्रय का हो जाए, जिसको महिमा स्तोत्र में कहा ना कि यह किं काय, प्रश्न डाला है ना भाई, आपकी चेष्टा क्या है? आपका शरीर कौन सा था ये सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, और किस आधार में बैठे हुए थे आप? अरे कहीं तो खड़े होकर के बनाया होगा शिव जी ने, कहां खड़े थे आप संसार को बनाने के लिए? ये सब पूछा ना, कौन सा शरीर धारण किया और शरीर कहां से आता? अरे भूतों की सृष्टि नहीं हुई तो शरीर कहां से? इसलिए शंका है वहां पर, बिना शरीर का आपने सृष्टि कैसे बना दी? ये कोई समझ सकता है उस लीला को? कुछ नहीं समझ सकता। वो बाद में बोला इसमें जवाब में, पहले शंका। ये कुतर्क का जाल में लोग बिछ जाते हैं, लेकिन उस परमात्मा का लीला को कोई समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि अपनी ही लीला समझ में नहीं आई है तो परमात्मा की लीला क्या समझ में आएगी? अपनी लीला कब समझ में आएगी? आपकी लीला पर कहां हो रही है? स्वप्न में। आप अपनी लीला को स्वप्न में देखिए ना, बाकी मैं किंग का है तो लगाओ, वहां कहां आप खड़े हो? हैं? खड़े होने की जगह है आपके पास? कितना छोटा सा जगह है वो, यदि मान भी लिया जाए पूरी तत्व नाड़ी में, उतना छोटा सा अनुपरिमाण के बराबर जगह है, उससे तुम 10 फुट के आदमी कैसे खड़े हो गए? हैं? और बड़ा जगत बना लिया, कार घोड़ा वोड़ा सब बन गया, वहां पे स्टेडियम बन गया, क्या क्या नहीं बना लेते हो, कैसे बन गया? आप अपनी लीला को समझ लीजिए, अपने स्वप्न को समझ लीजिएगा तो अपने परमात्मा की लीला समझ में आ जाएगा। लेकिन द्रोबोध इसलिए है क्योंकि अपने स्वप्न को कोई ध्यान ही नहीं देता है, जागृत में ध्यान लगा रहता है, और स्वप्न पर थोड़ा भी चिंतन मनन कर लेता है, स्वप्न को दृष्टांत बना करके जागृत के जगत जो दृश्य रूप में ग्रहण कर लेगा वो परमात्मा की लीला को समझ लेगा। इसलिए कहते द्रोबोध इव विहार, जो आपके जो विहार है ना, विहार योग्य द्रोबोध के समान इसलिए है क्योंकि ये कैसा हो रहा है तो उसका वर्णन कर रहे, यद अशरणो, क्योंकि बिना आश्रय का लीला कर देते, बिना कोई आश्रय लिए ही आपका सारा लीला चल रहा है। अशरीर एव किम यह किम काय, काय किम आधार है ना, कोई आधार नहीं, कोई शरीर नहीं, इदम अनवेक्षित अस्मत समवाय, फिर बे ये सारा का सारा जगत हम लोगों के द्वारा
सम्यक अनुभव में आ रहा है। तीसरा इदम विश्वम अनवेक्षित अस्माकम समवायु मेलनम सहायम एन सहा, हम लोगों के किसी की भी सहायता के बिना, किम यह बोला ना किसकी सहायता से, क्या चेष्टा किया तुमने, अरे कुलाल घड़ा बनाता है तो उसको चक्र चाहिए, डंडा चाहिए, मिट्टी चाहिए, तुमने क्या लिया था, किम उपादान बुलाए वहां पर, वो सब बोल रहे हैं यहां पर इकट्ठे, बिना उपादान कारण का, बिना कुछ का है, हम लोगों की भी कोई सहायता जरूरत नहीं पड़ी देवताओं की किसी की भी, और सारी सृष्टि बना दिए। अनवेक्षित अस्मत् समवायः इदम् समस्तमिषम् आत्मनैव अविक्रियमाण, बड़ा आश्चर्य भी है, आपने स्वयं निर्माण भी किया अपने से, लेकिन किंचित विकार भी नहीं है, अविक्रियमाण अपने आत्म स्वरूप से, सगुणम अगुण संसर्ग से पास हरसी, अगुणात्मक होते हुए भी सगुण रूप इस जगत को आप सृष्टि भी कर रहे हो, पालन भी करते हो, विनाश भी कर देते हो। कितना विलक्षण बात पूरी अद्वैत वेदांत यहां पर कह दिया है, निर्गुण स्वरूप का कथन कर दिया, देवता पूरी वेदांत पूरे, लेकिन क्या करे विवेक और वैराग्य की गड़बड़ी है ना, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, हाँ अभी शब्द विभूज है वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान रहित है वो देवता लोग, हाँ तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान सही थे, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान रहित है, ये कहना पड़ेगा। अत तत्र भवान किं देवदत्त वद्यः गुण विसर्ग पतितः पारतंत्रेण स्वकृत कुशला कुशलम फलम उपाददाति आहोस्वित आत्माराम उपशमशील समंजस दर्शन उदास्ती वावा न विदाम। कद हम नहीं जमा समझ पा रहे आप करते क्या है, आपका काम धंधा को समझ में नहीं आता, कभी तो लगता है आप दुनिया का पुण्य पाप वगैरह बंटवारा करके सब हिसाब किताब करके काम देने वाले मुनीम हो, और कभी लगता है आप कुछ भी नहीं करते हो, आप जो कुछ भी नहीं करते हैं सब अपने आप पागलपन हो रहा है, ये संसार क्या है, पागल खाना है, पागल खाने पागल लोग अपने नाश नाश रहे हैं, और वहां से कुछ है ही नहीं, जगत तो पैदा ही नहीं हुआ है, आप कुछ करते ही नहीं है। तर तत्र भवान किम देवदत्तवत यह गुण विसर्ग पतितः पारतंत्र इत्यादि ओम।